सबसे बड़ी बात, जब भी आप किसी को भी इनवाइट करते हो तो अपने दिमाग में चीज को अच्छे से डाल लो कि यार वो सामने वाला इंसान है आपके जैसा, उसके पास भी वही माइंड है जो आपके पास है, उसके पास भी वही हाथ है, वही नाक है, वही कान है, वही मुंह है जो आपके पास है, तो फिर इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। और पैसे किसको काटते हैं यार? हाँ, यहाँ पर चॉइसें अलग हो सकती हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, पैसा कमाना। दैट इज राइट गाइस, पैसा सबके लिए जरूरत है, तो पैसे को पाने के लिए, पैसे को कमाने के लिए कोई भी पर्सन तैयार है। और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज बढ़ती जा रही है, और ऐसे में हर पर्सन को एक तलाश है अच्छी नौकरी की, और नौकरी से पहले एक अच्छे पर्सन की, क्योंकि नौकरी तो मिल जाती है लेकिन अच्छे पर्सन मुश्किल है मिलने, और अगर पर्सन ही गलत मिल गए तो फिर नौकरी कहाँ सही मिल सकती है। और कई अनजान लोग को इन्वाइट करना तो यार बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, क्योंकि आप उनके लिए पूरा नए हो, आपके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हो? जब किसी आप रिलेटिव को इनवाइट करते हो, जब किसी आप जानने वाले को इनवाइट करते हो, अपने पड़ोसी को इनवाइट करते हो, क्योंकि उनको आपके बारे में ए टू जेड हर एक चीज़ पता है, और उसे ये भी पता है कि तुम क्या करते थे और क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है आपको अन्य पर्सन को इनवाइट करना। और वहाँ पर जैसा आपका इंप्रेशन होगा, उसके अंदर आपके बारे में थिंकिंग वैसे ही जाएगी। दैट मीन्स फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर डायरेक्ट सेलिंग, नेटो मार्केटिंग या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग इन कंपनियों में काम करते हो, तो सबसे जरूरी इसमें क्या है? एग्जैक्टली इन्विटेशन। और जब ज़्यादा ज़्यादा इन्विटेशन आएगा तो ज़्यादा लोग आपसे इंगेज हो पाएंगे, और जब ज़्यादा लोग इंगेज होंगे तो आपकी ज्वाइनिंग बढ़ेगी, और जब ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ेगा तो आपका इनकम बढ़ेगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि इन्विटेशन हम कैसे करें और हर एक बंदा हमारे साथ कैसे इंगेज हो जाए। और एक खास बात यह भी है कि सबसे ज़्यादा जो लोगों को रिजेक्शन मिलता है वो है इन्विटेशन से। जब वो किसी को इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं कॉल पे या फिर किसी भी माध्यम से, तो सामने वाला बंदा उनको सीधा मना कर देता है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो क्या होता है, बिल्कुल ध्यान सुनना। ये आपको पता है कि आप उसके पास लाखों का मौका लगे जा रहे हो, अगर वो ज्वाइनिंग कर लेगा, वो आपके साथ काम करेगा तो आपका बेनिफिट होगा, उसका बेनिफिट होगा, ये आपको पता है, उसको नहीं पता है। लेकिन उसको बताना है कैसे, आपका काम क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मल्लम क्या है, प्रॉपर तरीके से बता के। आपको यही पता होगा, मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा आज, बिल्कुल मैं आपको पूरा अलग बताऊंगा, और शायद आज तक आपने ना ये किसी से सुना होगा और न कोई आपको बताया होगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले मेरा एक सवाल है आपसे। सपोज दैट आप कहीं पर ट्रेवलिंग करते हो, कहीं जा रहे हो, बाई ट्रेन, बाई बस या फिर बाई प्लेन, आपके पास एक बंदा आता है, उसके पास एक होता है आईफोन 30 प्रो मैक्स, लेटेस्ट वर्जन का है, फ़ोन जेन्युइन है, सही है, उसके पास कोई प्रॉब्लम है। वो आपको बोलता है कि सर ये मेरा आईफोन 30 प्रो मैक्स लेटेस्ट वर्जन है, और ये फ़ोन आया था, मुझे पड़ा था 1.25 लाख का, यानी 1,25,000 का, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये में, क्या आप वो फ़ोन लोगे उससे? यहाँ पर मैक्सिमम जो आंसर आएंगे वो हैं नो। वाई? क्योंकि आपका ट्रस्ट उसके ऊपर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन से जा रहा है, अब आपको ये नहीं पता कि वो सही है, गलत है, या फिर उसमें कोई धोखाधड़ी दे रहा है, मतलब आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा किसी भी तरीके से आपके साथ वो मतलब चीट कर रहा है, आप ये समझोगे, तो क्या आपका उसके ऊपर ट्रस्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो सेम जैसे यहाँ पर आपका ट्रस्ट उसके ऊपर नहीं बनता है, तो आपके ऊपर किसी का ट्रस्ट कैसे बनेगा, भले आप उसके पास लाखों का मौका लेके जाओ। जब आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, तो किसी और का आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे होगा? एग्जैक्टली बात यही है, ट्रस्ट फैक्टर जनरेट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर वो बंदा आपके साथ या फिर आपके लिए कोई छोटा सा हेल्प कर दे, आपका किसी भी तरीके से हेल्प कर दे, और उसके बाद 1-2 घंटे बाद आपसे बोले कि भाई मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि मेरा ये फ़ोन है, इस फ़ोन को मुझे सेल करना है, अभी मैंने फ़ोन लिया था, पिछले हफ्ते लिया था या फिर पिछले महीने लिया था, और मुझे प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसको सेल कर रहा हूँ, अगर आपको नीड हो तो आप इसको ले सकते हो, और आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी को इन्वाइट करने से पहले उसके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर जनरेट करना है। ट्रस्ट फैक्टर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। वहाँ पर आपको ये चीज़ देना है, गिव वैल्यू इन एडवांस, एक वैल्यू क्रिएट करना है उसके लिए। और एक बात बताऊँ, अगर किसी बंदे के साथ आपने सच्चे दिल से, ईमानदारी से उसका सपोर्ट किया है ना, तो बंदा बोलेगा सर, और आपको एक रिस्पेक्ट देगा, सर इन्होंने मेरी हेल्प की हुई थी सर। ये होता है गिव वैल्यू इन एडवांस। किसी का भी आप हेल्प कर दो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, विदाउट किसी प्रॉफिट के, विदाउट किसी मार्जिन के। सपोज दैट उसके पास फ़ोन तो है, फ़ोन रिचार्ज नहीं है, इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग बंद है, बैटरी रिचार्ज नहीं है, या कुछ भी है जो उसका फ़ोन डेड चल रहा है, उसको कहीं इमरजेंसी कॉल करना है,
अब वो आपसे बोले कि सर भाई साहब एक मेरा नंबर ही डायल कर दो, तो हम उसे बात करनी है, इमरजेंसी है। अब उसे तुरंत उसका नंबर डायल कर दिए, उसको दे दिए, बात कर लिया, उसकी प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो गई। अब आप उससे फिर बोलो भाई जिस मोबाइल से आप बात किए हो इस मोबाइल को मैं सेल करने वाला हूँ, तब वो बंदा थोड़ा सा आपको समझाएगा भाई क्यों सेल कर रहे हो, ये अच्छा फ़ोन है, आईफोन 30 है, लेटेस्ट वर्जन है, आप सेल क्यों कर रहे हो इतना महंगा फ़ोन। आप उसे बताओगे सर ये प्रॉब्लम हमारी है इसलिए मैं इसको सेल कर रहा हूँ, 125 का फ़ोन है, इसको मैं सेल कर रहा हूँ मात्र 50 में। यानी कि अब देखना आप उसको सेल कर रहे हो, 125,000 का फ़ोन है, आप उसको सेल कर रहे हो मात्र 50,000 में, ले लेगा। 70,000 में करोगे ना, ले लेगा। इवन अगर उसको 80 में कर दोगे ना, ले लेगा। अब देखो यहाँ पर एक बात और बनती है कि अगर उसके पास बाई कैश नहीं है या फिर वो बाई कैश नहीं करना चाहता है तो उसके साथ थोड़ा सा आप इंगेज हो जाओ, ठीक है भाई मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ, आप जहाँ पर रहते हो आप वहाँ का एड्रेस मुझे दे दो, ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर देना या फिर मैं आपको कॉल कर दूंगा और फिर आप पेमेंट आराम से कर देना, तब यहाँ पर बात बनती है। और इसके बाद जब चाहे, जो चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, उससे आप ले लो या आप दो वो ले लेगा। वैल्यू क्रिएट हुआ है और आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट फैक्टर जनरेट हो गया है। ध्यान देना आपको किसी का हेल्प करना है विदाउट प्रॉफिट, विदाउट किसी मार्जिन के, उसके बाद आप जो चाहे जब चाहे उसको सेल कर सकते हो, उसको दे सकते हो या फिर उसको एक मौका दे सकते हो कि भाई इस कंपनी में इन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है और यहाँ मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर मेरे साथ इंगेज होकर काम कर सकते हो और 110% गारंटी है कि वो बंदा आपके साथ इंगेज हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरा दावा है कि वो पर्सन आपके साथ इंगेज हो जाएगा। सो गाइस ऐसे ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ जिसमें आपका काफ़ी सपोर्ट हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल सेलिंग या फिर MLM कंपनी के साथ साथ, और ऐसे वीडियो हमारे चैनल में बहुत से पड़े हुए हैं जिसमें आपका काफ़ी हेल्प होगा। सो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही स्पेशल वीडियो लाते रहते हैं। और हाँ, चैनल पर विजिट करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं।